मुझसे पहले जा रहा है कमंगता जो मंगता नहीं होने देते। अभी मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है जिसकी इतनी खूबसूरत आवाज है जो आप सुनेंगे तो दंग के दंग रह जाएंगे। ये नाते पढ़ता है, इतनी प्यारी आवाज़ है कि लोग इसके आवाज़ के दीवाने हुए फिरते हैं। तो अचानक ही मेरी इसके साथ मुलाकात हुई है, मैंने कहा चलो दोस्तों को इसकी जो आवाज़ है वो सुनाते हैं। ये बहुत अच्छी नात पढ़ता है, ये कब से पढ़ा है और किस तरह इसने ये सारा कलाम सीखा और इसकी आवाज़ जो है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा आप? ठीक। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अब्दुल रहमान। अच्छा अब्दुल रहमान, कितने अरसे से तुम नाते पढ़ रहे हो? 2-3 साल से। 2-3 साल से। अच्छा वैसे नातों के अलावा तुम स्कूल में भी पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। अच्छा तो वहाँ भी पढ़ते हो नाते? हाँ। अच्छा तो ये जो आप नात खानी करते हो ये किसी से सीखी है या खुद ब खुद आई है आपको? किसी से सीखी है। अच्छा किससे सीखी है आपने? कारी मोहम्मद शाह महमूद। अच्छा वो आपके उस्ताद हैं या वैसे ही उनको पसंद करते हो? वैसे ही पसंद करते हैं। अच्छा शाह साहब को कहाँ पे सुना आपने? टीवी पर। अच्छा रोजाना सुनते हैं उनको? हाँ। अच्छा कौन सा कलाम उनका आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आप महफिलों में पढ़ते हो, सुनाओ जरा। मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। बात माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अलावा नात के अलावा कुरान मजीद पढ़ते हो आप? हाँ। कहाँ पे जाके पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो या मस्जिद में जाते हो? मस्जिद में। अच्छा रोज़ाना कितने टाइम जाते हो? 2 टाइम। अच्छा तो कुरान मजीद आपने मुकम्मल पढ़ लिया है कि अभी पढ़ रहे हो? पढ़ लिया। अच्छा तो हमें कुरान मजीद की भी कोई तिलावत सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। अच्छा ये बताओ महफिलों में जाते हो? हाँ। तो कैसे जाते हो आप? अनिवार्य कदम कदम चूम के जाता हूँ। अच्छा तो लोग क्या करते हैं फिर, मतलब जब महफिल में जाते हो लोग प्यार करते हैं आपके साथ? हाँ। अच्छा
तो कभी तोहफा तोहफा भी मिला है कि नहीं अभी तक सिलसिलाकार बस इस तरह ही चल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, तो सिर्फ महफिलों में पढ़ते हो या स्कूल में भी पढ़ते हो नाथ? स्कूल में भी और अपने गांव में भी। अपने गांव में भी, तो कभी जो जो होते हैं मुकाबला हुसन नात होता है स्कूल में और दीगर जगह पे, कभी उनमें हिस्सा लिया है आपने? लिया। तो कभी पोजीशन वगैरह आई है आपकी? हाँ। कहाँ पे आई है, किस क्लास में आई थी? फाइव क्लास में। फाइव क्लास में, तो अब की बेस पे पढ़ते हो नाते? हाँ। अच्छा, तो आपका जो सबसे पसंदीदा कलाम है वो हमें सुनाओ। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मंज़िल नहीं चाहती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। तो आप किनके शागिर्द होना पसंद करोगे? शाह महमूद। कारी शाह महमूद साहब का, तो क्या दिल करता है महफिल में उनके जैसा पढ़ोगे, टीवी पे पढ़ोगे, क्या दिल करता है, कहाँ कहाँ पे जाना है, दिल में क्या आपकी ख्वाहिशात क्या हैं? महफिल पर और टीवी पर। महफिल पर और टीवी पर, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो कितने बहन भाई हो आप? सात। सात बहन भाई हो, तो सारे नाते पढ़ते हो या आप अकेले ही हो, सिर्फ नात जो पढ़ते हो? सारे पढ़ते हैं। सारे पढ़ते हैं, तो सबसे अच्छी आवाज़ आपकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अब्दुर्रहमान की जो आवाज़ है यकीनी तौर पर आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो इस छोटे से बच्चे की जो टैलेंट है वो आपको नज़र आया, जो आवाज़ है वो आपको सुनाई दी गई है। तो हजूर की नात पढ़ता है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक के उम्मतियों तक इसकी जो आवाज़ है वो शेयर करें। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। आपका मेज़बान वैसन की भी आपसे जा चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।